सरनाज का सॉन्ग आखिरकार रिलीज हो गया भुला दूंगा, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, हार्ट ब्रेक का सॉन्ग है, फ्लैशबैक का सॉन्ग है, अंडर वाटर शूट हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही है सरनाज की केमिस्ट्री। कैसा है पूरा गाना मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाने की शुरुआत हो रही है जहां शहनाज सिद्धार्थ का हाथ छुड़ाकर जा रही है। दरअसल सिद्धनाज को लोग साथ में देखना चाहते हैं और जैसे ही ये सीन शुरू होता है लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि होने क्या वाला है आगे। तो जो शब्द है, एक पल में मैं तुमको भुला दूंगा, दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ दिल टूट रहा है दो लोगों का, सिद्धार्थ का शहनाज का, और वो जो है दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फ्लैशबैक हो रहा है जहाँ सिद्धार्थ सारे उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। एक मोमेंट बहुत ही खास था जहाँ पर वो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, मुझे बिग बॉस की याद आ गई। बिग बॉस में शहनाज अक्सर जो है सिद्धार्थ से इस बात की शिकायत करती थी कि आप सॉरी नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस गीत में तो वो सॉरी बोल ही रहे हैं शहनाज को। शहनाज और सिद्धार्थ इस गाने के प्रमोशन के लिए अपने सोशल हैंडल पर लाइव भी आए, सिद्धनाज के फैंस को अपील भी की कि इस गाने को जो है बहुत हिट कराना है। शहनाज ने लोगों को बोला इसको जो है इस साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग बनाना है। ऐसे में ये जो गाना दिख रहा है बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा है, दर्शन रावल ने गाया है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो है अभी थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुआ है, 3 मिनट पहले, और अभी तक 60,000 इसको व्यू मिल चुके हैं। और ये गाना जो है डायरेक्ट किया है पुनीत जे पाठक ने और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, डीओपी ध्रुवल पटेल हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाना बहुत समय से जो है लोग इंतज़ार कर रहे थे इस गीत का, और ये लगभग 3 मिनट का गीत है और इसको लेकर सुबह से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है सिद्धनाज का, क्योंकि इस गीत का इंतज़ार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। इससे पहले पायरा का गाना आ गया, आसिमांशी का गाना आ गया, तो ये बिग बॉस की तीसरी जोड़ी है जिसका गाना आज आया है। इन दोनों की केमिस्ट्री जो है, दरअसल ये गाना अगर मैं कहूँ तो एक दर्द का गाना है, जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं उसके याद में गाया जाने वाला गाना है। तो सिद्धनाज के फैंस जो है बहुत इमोशनल हो जाएंगे इस गीत को देखते हुए मुझे लगता है। लेकिन आपने भी ये गाना देखा होगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे इस गाने का म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है बनाया है, एडिटिंग बहुत कमाल की है पंकज शर्मा की और म्यूज़िक बहुत कमाल का है। तो बहुत सारे मैं सारे क्रेडिट्स ही देख रही थी कि किस किस का है। लिरिक्स लिखे हैं गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा ने, म्यूज़िक दिया है अनमोल डैनियल और प्रोडक्शन टीम ने। तो बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे सिद्धनाज की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।